शादाब खान का सिडनी में तूफान, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को किया परेशान, बनाया रिकॉर्ड जो नहीं था आसान। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने ने किया। पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम की शुरुआत काफी खराब रही। टीम ने मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम का विकेट जल्दी खो दिया। इसके अलावा मोहम्मद हारिस ने भी टीम के लिए 28 रन का योगदान दिया और जल्दी पवेलियन लौटे। शान मशहूद भी टीम के लिए जल्दी पवेलियन लौट गए। टीम का स्कोर 43 रन पर 4 विकेट हो गया। ऐसे में टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी और साथ ही दो बड़ी पारियों की जरूरत थी। वही काम टीम के लिए इफ्तिकार अहमद ने किया, जिन्होंने 35 गेंदों में 51 रन बनाए। इसके अलावा टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शादाब खान ने संभाली। शादाब खान की बात करें तो उन्होंने 42 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पारी के दौरान 4 छक्के 3 चौके लगाए और 236 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट शादाब खान का रहा। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हेनरिक नॉर्किया ने शादाब खान का विकेट लिया। शादाब खान जब तक आउट हुए तब टीम एक मजबूत स्कोर तक पहुंच चुकी थी, जहां टीम को शुरुआत में लगातार झटके लगते चले गए। उसके बाद टीम के लिए उबर पाना और एक बड़ा स्कोर बनाना काफी जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये करो मरो का मुकाबला था। आपको बता दें कि शादाब खान ने इस मैच में एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर पाकिस्तान की डूबती नैया को पार लगाया। इसी की बदौलत पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 185 रन बनाने में कामयाब रही। जहां पाकिस्तान की आधी टीम 95 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी, वहां से 185 का स्कोरबोर्ड टीम के लिए एक मजबूत स्कोरबोर्ड बना। क्या कुछ आपकी राय है शादाब खान की इस पारी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।